बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी है पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। तो इसके लिए मैंने पालक ली है, आधी गट्ठी से भी थोड़ी ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। बेसन है, बेसन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने, ये गर्म मसाला है, इसके साथ है ये कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, ज़ीरा है, सुरख मिर्ची हैं और नमक है। ये सारी चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ली हैं मैंने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पकौड़े बनाना। एक बाउल लेंगे, खुले मुंह वाला बर्तन मैंने लिया है, इसमें अपने पालक डालेंगे और 1 कप के करीब आप इसमें बेसन डाल लें। सारे मसाले अपने इसमें डालने, मैं आपको पहले मसालों की मकदार बता चुकी हूँ कि मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर जो सारे मसाले लिए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वो बड़े क्रिस्पी और जो जो बड़े टेस्टी से ये मिर्चों वाले जो पकोड़े वो पसंद करते हैं, लेकर कुछ लोग नॉर्मल मसाले पसंद करते हैं। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया लिए, सब्ज़ मिर्चें, प्याज है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसको साइड पे रखूंगी। तो एक खाली बर्तन लेंगे, क्योंकि आप साथ हमने पालक फ्राई करनी है, इसमें थोड़ा सा बेसन डालूंगी। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो गर्म मसाला पाउडर ऐड करूंगी। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी सी बनानी है आपने। ये ग्रेवी बन चुकी है, इस तरह करके इसकी जो ग्रेवी बनानी है। ये पालक के पत्ते हैं, इनको मैंने धो के रख लिया था, इस तरह करके ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो साथ पालक फ्राई करेंगे, इस तरह करके इन पत्तों को डिप कर लेना है इसके अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह करके हम अपनी पालक के जो पत्ते हैं इसमें रखते जाएंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। पकोड़े हमारे बनने के लिए तैयार हैं, पालक जो फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार और टेस्टी जो पकोड़े वो तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं जी हमारे पालक के पकौड़े, और पालक फ्राई क्रंची सी बिल्कुल तैयार है, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि बड़ी मज़ेदार और बड़ी टेस्टी सी बनी है, और ये देखिए इसकी बड़ी क्रंची सी ये बन गई है। ऐसे करके ये बहुत ही मज़ेदार और बड़ी टेस्टी बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।